दोस्तों, जी टीवी पर प्रसारित हो रहा शो कुमकुम भाग्य दर्शकों के पसंदीदा टीवी शोज में से एक है। चूंकि साल 2014 से ही टीवी पर टेलीकास्ट किया जा रहा है, जहां बीते सालों में एक तरफ शो मेकर्स ने हमेशा ही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ शो की कहानी में नया फ्लेवर डाला है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके कलाकारों ने भी मेकर्स के एफर्ट्स को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके चलते ये शो 7 सालों से प्रसारित होने के बावजूद कभी भी दर्शकों के लिए बोरिंग नहीं हो पाया। यही वजह है कि शो में नजर आने वाले कलाकार आज दर्शकों के दिलों में बस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस सीरियल या फिर यूं कहें कि इस शो में काम करने वाले कलाकारों के बारे में तो ज्यादातर बातें जानते ही होंगे, लेकिन शायद आप इन कलाकारों के रियल लाइफ पेरेंट्स के बारे में जानते होंगे, जिनसे ये कलाकार बेहद ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हीं के साथ काफी खूबसूरत रिश्ता भी और बॉन्ड भी शेयर करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुमकुम भाग्य शो के कुछ चुनिंदा कलाकारों के रियल लाइफ पेरेंट्स से रूबरू करवाएंगे। तो आइए फिर जल्दी से रूबरू हो जाते हैं एक एक कर उन सभी कलाकारों और उनके पेरेंट्स से। नंबर एक, कृष्णा कौल। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेता कृष्णा कौल का, जिन्हें आप शो में रणबीर की भूमिका निभाते हुए देख रहे होंगे। अपने इसी किरदार में इन्होंने हमेशा ही खुद को बखूबी पेश किया है और दर्शकों का प्यार पाया है। बात की जाए इनके पेरेंट्स के बारे में तो इनकी मम्मी का नाम वीना कौल है और इनके पिता का नाम अनिल कौल है। बात करें इनके पेरेंट्स के प्रोफेशन के बारे में तो इनकी मदर प्रोफेशन से एक टीचर हैं, जो कि अपने करियर में सफल होने के साथ साथ अपने परिवार को भी काफी अच्छे तरीके से संभालती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इनके पिता पेशे से एक पंजाब नेशनल बैंक में आईटी मैनेजर के रूप में काम करते हैं, जिसके चलते इनके माता पिता दोनों ही अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों को छू चुके हैं। नंबर दो, लीना जुमानी। शो में नेगेटिव किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं और दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री हैं लीना जुमानी, जिन्होंने शो में तनु की भूमिका निभाते हुए दर्शकों को काफी ज्यादा प्यार हासिल किया है। वहीं अगर बात की जाए इस दमदार अभिनेत्री के मम्मी पापा के बारे में तो बता दें कि लीना जुमानी के पिता का नाम मुरलीधर है और मम्मी का नाम सीता जुमानी है, जो कि दोनों ही यूं तो ज्यादा लाइमलाइट में रहने के शौकीन है नहीं, लेकिन क्योंकि लीना जुमानी अपने पेरेंट्स के काफी ज्यादा क्लोज हैं, इसीलिए इनके सोशल मीडिया पर इनके पेरेंट्स की कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती हैं। नंबर तीन, मुग्धा चापेकर। अभी और प्रज्ञा की बेटी प्राची के किरदार में खुद को खूबसूरती से ढालने वाली अभिनेत्री हैं मुग्धा चापेकर, जिन्होंने श्रुति झा की तरह ही दर्शकों को काफी ज्यादा प्यार दिया है और उनसे प्यार पाया भी है और अपने किरदार से एक घरेलू नाम बन पाई हैं। वहीं बात की जाए इनके पेरेंट्स के बारे में तो बता दें कि मुग्धा चापेकर के माता पिता दोनों ही लाइमलाइट से कोसों दूर ही रहते हैं, इसलिए इनके माता और पिता दोनों में से किसी की भी कोई भी जानकारी और तस्वीर उपलब्ध नहीं है। नंबर चार, शब्बीर अहलूवालिया। शो में अभिषेक की भूमिका निभा दर्शकों के चहेते बनने वाले अभिनेता हैं शब्बीर अहलूवालिया, जिन्होंने अपने पूरे के पूरे करियर में इस शो से चार चांद लगा दिए हैं। साथ ही यही वजह है कि आज इनका ये किरदार इनकी पहचान बना हुआ है। वहीं बात की जाए इनके पेरेंट्स के बारे में तो बता दें कि शब्बीर अहलूवालिया का जन्म एक सिख पिता और क्रिश्चियन मम्मी के घर में हुआ है। जिनमें सबसे पहले बात की जाए इनके पिता के बारे में तो बता दें कि इनके पिता का अपना काफी सफल बिजनेस है, जिसमें वो काफी ज्यादा बिजी भी रहते हैं, इसलिए उनकी ज्यादातर तस्वीरें देखने को नहीं मिल सकती। पिता के बाद बात की जाए इनकी मम्मी के बारे में तो इनकी मम्मी प्रोफेशन से एक होममेकर हैं, जो कि घर पर रहते हुए अपने भरे पूरे परिवार को संभालती हैं। नंबर पाँच, श्रुति झा। इस लिस्ट के आखिरी कड़ी में अभिनेत्री श्रुति झा का नाम शुमार है, जो कि प्रज्ञा की भूमिका निभाती हुई आज हर किसी के दिलों पर राज कर रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनके पेरेंट्स के बारे में तो बता दें कि श्रुति झा के पिता का नाम मिथिलेश झा है, तो वहीं इनकी मम्मी का नाम मिसेस झा है। बता दें कि श्रुति झा के पेरेंट्स हमेशा ही ज़्यादा उनके वो लेकर सपोर्टिव रहे हैं, जिन्होंने हमेशा ही उनके हर एक सपने में पंख लगा दिए हैं। वेल दोस्तों, आप इन सभी कलाकारों के पेरेंट्स से रूबरू होकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या रहेगा आपका रिएक्शन, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अपनी राय। साथ ही साथ ऐसे और दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए और ऐसी ही खबरों से अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।